बता दें कि बीते समय पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा ऐलान किया था। जी हां, उन्होंने कहा था कि केंद्र से बकाए डीए की मांग पर धरना देने का निर्णय लिया था। बता दें कि मंगलवार शाम को भुवनेश्वर जाने के दौरान ममता बनर्जी ने पत्रकारों से कहा था कि 29-30 मार्च को वो केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देगी। 2 दिन का यह धरना अंबेडकर मूर्ति के नीचे होगा। इसी दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने डीए के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरा है। जी हां, उन्होंने दावा किया है कि केंद्र कर्मचारियों और पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के डीए में 36% का अंतर है। भाजपा नेता का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में प्रदेश कर्मचारी डीए बढ़ाने की मांग को लेकर बीते कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 30 मार्च को होने वाली अभिषेक बंदोपाध्याय का जो सभा है उसको लेकर आप लोगों ने केस किया, ऐसा क्यों? एक्चुअली केस इसलिए किया गया, देखिए यहाँ सेफ्टी का इश्यूज लग रहा है, हम लोगों को लग रहा है कि सेफ्टी का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसी की वजह से कल हम लोग सीपी के साथ मिलना भी चाहे तो किसी कारणवश उनसे मुलाकात हो नहीं पाई, तो लास्ट में हम लोगों के पास कोई रास्ता बचा नहीं, तो अतः हम लोग कोर्ट में अब मामला दिए हैं। आज 2 बजे उसकी सुनवाई होगी। कारण यहाँ पे हम लोगों को लगता है कि हो सकता है कि यहाँ जो सभा होने वाला है और हमारा भी यहाँ मन चल रहा है तो हो सकता है कुछ परेशानी हो सकती है। इसी के वजह से हम लोगों ने कोर्ट में आज 2 बजे उसकी सुनवाई है कोर्ट के। देखिए कल हम लोग का यहाँ पे जो भी आएंगे मंच पे सभी गाना अनशन में भाग लेने वाले हैं, और ये अनशन थोड़ा अलग तरह का होगा। उसका अलग तरह का मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो अनशन होने वाला है पिज़्ज़ा बर्गर चॉकलेट मतलब इस तरह के चीज़ों से खा के अनशन किया जाएगा ताकि ये दिखाया जा सके कि वेट किस तरह से बढ़ता है। इसलिए कल हम लोगों का ये कर्म सूची है कि जो भी यहाँ आएंगे उन सब के साथ मिलकर यहाँ पे गाना अनशन का पार्टिसिपेशन किया जाएगा, सब मिलकर करेंगे। देखिए डर का संकेत मतलब ऐसा है कि आपको बताते हैं, कभी एक दिन आप लोगों ने देखा भी होगा पोस्टर मिला, ठीक है, तो अलग अलग समय पे अलग अलग तरह का अज्ञात लोग भी यहाँ मंच पे कभी कभी उपस्थित हुए हैं, तो ये सारी चीज़ों को देख के ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ परेशानी ना हो। इसी के वजह से सेफ्टी के लिए हम लोगों ने कोर्ट में मामला किया है ताकि इस पर सुनवाई हो सके। कारण क्योंकि हम लोग को ऐसा महसूस हो रहा है कहीं कुछ, क्योंकि ये पॉलिटिकल रैली है, पॉलिटिकल सभा होने वाली है, और हमारा जो मंच है यहाँ पे हम लोग जो है सरकार से अपनी मांगों को लेकर 61 दिनों से यहाँ बैठे हुए यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं उसी चीज़ को लेके, तो किसी कारणवश कोई तरह का परेशानी ना हो इसी के लिए हम लोगों ने कोर्ट में अपील किया है। साकेत कुमार झा, संग्रामी ज्योत मंच। आपका नाम?